डर के ना हम लोग बहुत ज्यादा यार। चीज से बनाया गया ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो, लेकिन अभी बहुत ज्यादा रास्ता रहता है, लाइक ये 1.5 किलोमीटर है ऊपर तक आना। Hey guys, Assalamualaikum, I hope आप बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। सो वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो यार आज के ब्लॉग का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग रात को हम लोगों ने स्टे किया था कश्मीर कॉन्टिनेंटल होटल में, ठीक है, जो कि है कुंदर शाही के पास ही है, ठीक है, कुंदर शाही के अंदर या बल्कि। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना मतलब स्टे किया था नाइट, बिकॉज हम लोग लेट हो गए थे, हम लोग आगे जाना था बट काफ़ी अंधेरा हो गया तो हम लोग आगे ट्रैवल नहीं कर सके। तो अभी हम लोग मतलब सुबह हो गई है, हम लोगों ने सारा अपना मतलब ड्रेस वगैरह चेंज किया और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सामान वगैरह पैक करने। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये सामान मेरा रहा, ठीक है, अभी हम लोग लेके जा रहे हैं इसको नीचे गाड़ी में रखने के लिए। बाकी लोग भी जो है वो अंदर कोई मतलब तैयार हो रहा है, ठीक है, और कोई अपना सामान वगैरह पैक कर रहा है। भाई मैं तो रेडी हो गया हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी आज हम लोग इस ब्लॉग के अंदर कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, अपर नीलम वैली, लोअर नीलम वैली और कुंदर शाही झील, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग कवर लाजमी करेंगे। सो अभी चलते हैं गाड़ी में, अपना सामान वगैरह रखते हैं। गाइस तो यार अभी सीन ऐसा कि हम लोग कुतुब शाही लेक जा रहे थे तो यहाँ पे रास्ता में इतना स्टीप लगा कि हम लोग डर के मारे ही उतर गए कि हम लोगों ने कहा नहीं हमसे नहीं जाया जाएगा, हमने कहा गाड़ी रिवर्स करो, हम पैदल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अंकल आगे अच्छा खासा, ये देखो ये अच्छा खासा आगे मतलब कि रास्ता था, लेकिन हम लोग डर गए और हम लोग उतर गए यहाँ से। कैसा लग रहा है वीडियो आपको उतर के, वीडियो कैसा लग रहा है उतर के, डर गए ना हम लोग बहुत ज़्यादा यार, स्टीप था यार, मैं तो यार हाँ नहीं चढ़ जाएंगे यार। हाँ वो देखो पुल कितना यार, यहाँ से बहुत डर लगा भाई उतरते, मैं तो कहा उतार रहा भाई नहीं और वो हमारी गाड़ी रही, अब अंकल मतलब अकेले ले गए गाड़ी और हम लोग मतलब उतर गए। सब चलते हैं दोबारा गाड़ी में बैठते, लेकिन रास्ता यार देखने में ऊपर से बहुत खौफनाक लगता है इतना, वैसे लेंथ काफ़ी ज़्यादा मतलब विड्थ इसकी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम लोग मतलब क्यों डर रहे थे। खैर चलो अब चलते हैं आगे, डर के आगे जीत है तो ये तो होता रहेगा रास्तों के अंदर। आगे वाला दिखाता हूँ, आगे स्लोप चेक करो आप लोग, तो ये आगे की स्लोप है, ठीक है, और इससे आगे और पतला रास्ता है। इधर ही खड़ी रखो, इधर अंकल को रिवर्स कर लेना। तो हम लोग सिर्फ पैदल ही जा रहे हैं, ठीक है, आगे और हम यहीं से रिवर्स कर लेंगे, ठीक हो गया। सो ये जो है हमारा साथ पानी, आप लोग देखो कितना मतलब तेज चल रहा है वो भाई साहब। ओ गाइस मैं अपना बैग रखा है, चलो यार मैं बैग रखता हूँ फिर आगे चलते हैं। तो आगे की स्टीप इतनी ज़्यादा थी कि हम लोगों ने यही मुनासिब समझा कि हम लोग यहाँ से उतर जाते हैं, हम लोग आगे पैदल सफ़र करेंगे। तो यहाँ से हम लोग गाड़ी जो है यू टर्न कर रहे हैं, लाइक वापस लेके जाएंगे या यहीं पर कहीं खड़ी कर देंगे और हम लोग आते हैं वापस बैठ जाएंगे। बस आगे रास्ता जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सो मैं आप लोगों को आगे चल के रास्ता भी दिखाता हूँ जो हम लोगों ने आगे जाना है, और मैं बता दूँ कौन सा हमें रास्ता काफ़ी ज़्यादा जो है वो खतरनाक लग रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों ने मतलब कि ये डिसाइड किया कि हम लोग पैदल जाएँ। सो कम ऑन गाइस लेट्स गो। भाई ये लोग जो है सबसे आगे आगे जा रहे हैं, ठीक है, वो देखो वो मेरी एक पॉइंट, ठीक है, जो कि सबसे आगे जा रही हैं वो मोइज़रा और बाकी वो गुड़िया ऊपर रही, और अंकल जो है गाड़ी को जो है दोबारा यू टर्न करके वापस जा रहे हैं। हे गाइस सो फाइनली हम लोग जो है पहुंच गए कुतुब शाही लेक पे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था जो हमें कवर करना पड़ा, लाइक पैदल हम लोग निकल तो पड़े, लेकिन जब हम लोग चल रहे थे तो हमें पता चला कि भाई साहब इतना ज़्यादा डिस्टेंस। तो खैर एक भाई आए थे जिन्होंने हमें जो है फिर जो है फ्री में जो है ना वो दे दी कि आप आ जाओ बैठ जाओ मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, और भाई मेरे सामने थे मैं आपको दिखाता भी हूँ अभी जा रहे हैं, तो चलो उन्हें दिखाता हूँ। यार वो जो कई डब्बे हैं, ठीक है, उसमें जो भाई बैठे हैं उन्होंने हमें फ्री में जो है ना मतलब कि छोड़ दिया यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो ये यहाँ का व्यू है भाई, यहाँ पे पानी आप चेक करो भाई कितना तेज, ओ भाई साहब। और सामने जो है एक हमारे छोटा सा जो है ये नाश्ते का भी है, ठीक है, सिस्टम यहाँ पे, और भाई डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो पैदल आने की जो सोचना ही मत आप लोग, ठीक है ना। सो गाइस अभी मैं उस पुल से गुजर रहा हूँ जो मतलब एक बार टूट गया था, ठीक है, और जो हादसा पेश आया था, काफ़ी ज़्यादा डर लगा स्टार्टिंग में, बट अब ये दोबारा जो है काफ़ी इसको मतलब कि सही तरीके से बनाया गया है, ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो ये मेरे साइड पे रही कुतुब शाही लेक, ठीक है, और इस साइड पे भी रही। सो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और अभी हमें काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा, सो लेट्स गो यार मज़ा आएगा। सो गाइस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, ठीक है, अपनी गाड़ी तक। हमारी गाड़ी बहुत स्टार्टिंग में हम लोगों ने रोक दी थी, ठीक है, और जो पुप्पो और पुप्पा हैं, ठीक है, वो वहीं पर ही खड़े हुए हैं बिकॉज उनसे इतनी ज़्यादा मतलब कि ये नहीं चला जा रहा था, ठीक है, कि वो इतनी ज़्यादा वॉक करके ऊपर आए, तो हम लोग ऊपर आ गए थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रास्ता रहता है, लाइक ये 1.5 किलोमीटर है ऊपर तक आना।
सो आई थिंक अभी हम लोगों ने हाफ तो कवर कर लिया होगा, हाफ रहता है और कोई इस ज़्यादा जाते हुए दिख भी नहीं रहा कि जो हमें मतलब के वो दे दे, बिठा ले फ्री में, या चलो पैसे दे के बिठा ले, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा। लाइक हम लोग शायद बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब कि अभी हमें कोई आता जाता और बंदा दिख नहीं रहा। यहाँ के जो मतलब से रहायशी हैं वही लोग दिख रहे हैं। सो बस पहुँचते हैं। मोहित पता नहीं कहाँ पे रह गया भाई, अभी तक मोहित नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं बहुत पीछे है हमसे। मैं तो आगे आ गया, फूफो भी आगे आ गई हैं, हम लोग भाग भाग के आ गए हैं। सो चलते हैं और अब पहुँच के गाड़ी में मिलते हैं आप लोगों से। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए हैं, ठीक है, अपनी गाड़ी के पास, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी छोड़ी थी, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं अंदर ही गाड़ी के। और सबसे पहले भाई मैं पहुँचा हूँ, ठीक है, ये लोग दोनों पीछे हैं। मैं पहले मिड में था, ठीक है, लाइक फूफो सबसे आगे थी, मैं था, फिर मोहित था, अब ये दोनों साथ साथ आ रहे हैं और मैं सबसे आगे आ गया हूँ, ठीक है। सो बस जल्दी से बैठते हैं, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है, पानी भी तो बैठ के। और फाइनली हम लोगों ने अपनी जो है ये वाली झील तो देख ली, ठीक है, लाइक जैसे भी गए लेकिन हम लोग देख आए, मज़ा आया। ओए गाइस, तो यार अभी हम लोग नाश्ता करने आए हैं, ठीक है, यहाँ पे इस जगह का नाम है के खान, ठीक है, रेस्टोरेंट, तो यहाँ से भी हम लोग नाश्ता करेंगे। और अभी हम लोगों ने अपना जो है वो मतलब कि नाश्ता मंगवा लिया है, जिसमें हम लोगों ने मंगवाए हैं अंडा, ठीक है, फ्राई अंडा, ऑमलेट और साथ जो है पराठे, साथ चने की प्लेट भी खाई है। तो ज़रा खाते हैं बैठ के, फिर आप लोगों को बताता हूँ किस तरह का है। सो ओके यार, अभी हम लोग नाश्ता करके आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये थी वो शॉप, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो ये आप लोगों को दिख रही होगी के खान, ठीक है। सो यहाँ से हम लोगों ने नाश्ता किया अभी, और नाश्ता यार बस ठीक था, ठीक है, गुजारे लाइक था, लाइक 7 out of 10। सो चलते हुए और कुछ मिल नहीं रहा था, तो हम लोगों ने कहा बस अब करना तो है नाश्ता, तो बस हमें ये पॉइंट दिखा और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। अभी ये लोग यहाँ से पता नहीं पानी की बोतल वगैरह ले रहे हैं, तो जैसे ही ले लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग वापस अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं। तो ओके दोस्तों, यार अपना कुटनचाई वाटरफॉल से काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने नाश्ता किया, ठीक है, और नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो यार अपने आगे के सफ़र की तरफ रवाना होते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग जो है केरन से गुजर रहे हैं, ठीक है, और इन तमाम जगहों से गुजरते हुए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत मनाजिर देखे, जिन्हें जो है बयान नहीं किया जा सकता, ठीक है, लाइक अगर आप उनको देखोगे तो आप लोग हैरान रह जाओगे। बाकी अभी हम लोग जो है अपना अपर नीलम वैली की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये अपर नीलम वैली का ट्रैक है, ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पैदल भी जाते हैं और हम लोग लेकिन गाड़ी पर जा रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा था। ओके दोस्तों, यार तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपर नीलम वैली, ठीक है, हम लोगों ने आधा रास्ता जो है वो गाड़ी पर कवर किया, ठीक है, जहाँ तक गाड़ी आ सकती थी, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग जो है पैदल चल के जा रहे हैं, और यहाँ पे जो है हमारी मैडम बैठी हुई है, वेट कर रही है हमारा। चलें आगे। सो ये आप लोग देख सकते हो व्यू काफ़ी प्यारा है यार, बेसिकली जो है ना आपको यहाँ से नीचे वैली का कंप्लीट व्यू दिखता है, ठीक है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके देखते हैं कि क्या मतलब कि सीन वगैरह है यहाँ पे। चलो चलें। सो यार अभी हम लोग अपर नीलम के सामने हमें बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यही है, इसके आगे भी उन्होंने मतलब कि ट्रैक तो बना हुआ है। तो ये रहा बोर्ड, हम लोग आगे जा रहे हैं, यहाँ पे दो मतलब कि दो हैं, या तो आप यहाँ से भी जा सकते हो या यहाँ से भी जा सकते हो, तो इन लोगों ने चूज़ किया कि यहाँ से जाते हैं, तो लेट्स गो। सो ओके दोस्तों, यार अभी हम लोग मतलब कि ऊपर से सारा व्यू वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग दोबारा नीचे जा रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं शारदा या शारदा, शारदा कुछ ऐसे ही नाम है, ठीक, शारदा जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग मतलब कि गाड़ी में बैठने लगे हैं और निकलने लगे हैं, ये हमारी गाड़ी जो है फाइनली रिवर्स हो गई है और हम लोग जा रहे हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, तो एक बार फिर से हम लोगों को जो अपनी गाड़ी से उतरना पड़ा क्योंकि यार हमारी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं यार? हम जा रहे हैं शारदा। हाँ,
अपर नीलम गए, उसके बाद अब हम लोग अपर नीलम से उतर के वापस अब हम लोग जा रहे हैं शारदा। ये जो है फुप्पो लोग जो है वो शारदा में स्टे करेंगे। हम लोग आगे किधर जाएंगे? अरंगखेल। यस, सो अभी किचड़ फंस गई थी हमारी गाड़ी, तो इसलिए हम लोग सारे पैदल जा रहे हैं थोड़ी देर, ठीक है? आगे चल के हम लोग दोबारा गाड़ी में बैठ जाएंगे। कोई नहीं बेटा, तो अंकल पता नहीं आगे कहाँ चले गए हैं। तो खैर ये यही अपडेट थी अभी तो रिसेंटली कि हमें पैदल चलना पड़ रहा है। यहाँ पे रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप लोग देखो काफ़ी ज़्यादा कीचड़ है, मैं नीचे आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यार ये देखो बेसिकली ना बारिश होती है ना जब यहाँ से, तो सारा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। वहाँ पे भी काफ़ी पीछे मतलब ये कीचड़ है, ये देखो। यहाँ पे तो फिर भी बहुत कम है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा था कि मतलब ये गाड़ी हमारी फंस गई वहाँ पे ना। और वैसे बेस्ट तो यही है कि आप, हाँ इसलिए तो हम लोग पैदल चल रहे हैं, बेस्ट यही है कि आप लोग जो है ना जीप में आ जाओ। ओके दोस्तों, यार अभी सीन ऐसा है कि मैं एक पुल से गुजर रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हो पानी पानी है भाई नीचे। ओ भाई, बेसिकली जो है ना वहाँ से गाड़ी को पानी से गुजरना था, तो हमें था कि हमारा शायद लोड बहुत ज़्यादा होगा तो शायद कोई मुश्किल हो सकती है, जिस वजह से हम लोग पैदल आए हैं। और बाकी भाई मैं तुम लोगों को एक चीज़ रिकमेंड कर दूँ कि भाई रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ख़तरनाक है। लाइक अपर नीलम वैली से जब आप लोग आगे की तरफ आते हो ना, अभी हम लोग जा रहे हैं शारदा, ठीक है? तो शारदा का रास्ता भाई बहुत ख़राब चल रहा है अभी तक, अभी हमारा 7 किलोमीटर अभी भी रहता है। अब तो हम निकल आए हैं, वापसी जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो हमें जाना ही पड़ेगा। मुझे वो किधर आएगी यार? वो आ रही हैं। अच्छा जी, तो बस यही सीन गाइस चल रहा है, ठीक है? लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, हम लोग बहुत ख़तरे से आ रहे हैं। यार आप क्या कहना चाहोगी यार, बहुत ख़तरा है ना, बहुत ख़तरा है भाई, बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहोगी आप? अपन नीलम तक स्टे करें और बस उससे आगे जो अपनी गाड़ी पे हमको कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली पंजाब के लोग भाई, हमारा दिल्ली बाहर आ गया भाई, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। ना कुछ खाया जा रहा है, ना कुछ पिया जा रहा है, ठीक है? बस हमारी तो यही दुआ है कि भाई हम पहुंच जाए। उफ, अब तो हमें आगे जाने पड़ेगा। खैर तो शारदा पहुंचते हैं अब यार, लेट्स गो और देखते हैं भाई शारदा ऐसा क्या है, ठीक है? शारदा में जो मतलब हम लोगों ने पहले नहीं देखा। सो फाइनली गाइस वी हैव रीच शारदा, ठीक है? लाइक शारदा पहुंच के मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि भाई शारदा तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक ख़तरनाक हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा कच्चे रास्ते हैं, तो ज़रा सोच के आना आप लोग अगर आप लोगों ने शारदा आना है। बाकी यार व्यू आप लोग देख सकते हो, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह हैं जो आप लोग कर सकते हो आके। और नेक्स्ट अब हम लोग जाएंगे अपना केल और अरंगखेल, तो मज़ा आने वाला है। बाकी इस ब्लॉग को मैं करूँ इसी जगह पे एंड। आई होप्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार। लव यू ऑल।